गुरु जी की सेवा में हम अपने आप कभी भी नहीं जा सकते जब तक गुरु जी महाराज का ये हुक्म ना हो कि वो पर्टिकुलर सेवादार उनकी सेवा में रहेगा। जिसको गुरु जी ने रखना है वो रखेंगे, जिसको गुरु जी ने कहना है नहीं घर जाओ वो जाएंगे। हम लोग कई बार एम्पायर स्टेट में जब वापसी जाते हुए गुरु जी को से आज्ञा लेनी होती थी तो आपस में सोचते थे नहीं नहीं अभी इतनी जल्दी आज्ञा लेने जाएंगे तो गुरु जी कहेंगे घर जाओ हमें नहीं जाना। वहां से जाने का मन नहीं होता था, लगता था पूरा जीवन यही बिता दे। कभी वापस एक दो बार हुआ भी कि हम लोग रुके और वापस भी में जाते हुए गुरु जी का चाय प्रसाद भी मिला। ये महाराज की कृपा होती थी और गुरु जी उसी को ही रोकते थे जिनको रुकने की बाद में गुरु जी की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती थी। ये सब चीजें धीरे धीरे हमें बाद में समझ में आने लगी और आज पूरी तरह से समझ आ गई है पूरी संगत को पूरी दुनिया को कि गुरु जी कौन है। वो परम पिता है, अगम है, अगोचर है, गुरु नानक है, ईसा भी वही है, अल्लाह भी वही है, संगत सब एक है। गुरु जी कई बार ऐसे हुआ, बल्कि हमारे एक अदर रिलेटिव भी कभी जैसे गए साथ में, तो अगर गुरु जी से के पास जाने से पहले आप दिमाग में किसी तरीके इफ्स एंड बट्स ये सोचने लगे या वहां पहुंच कर आप वहां तो हैं फिजिकली बट मेंटली आप कहीं और सोचने लगे तो गुरु जी उसी टाइम पकड़ के कह देते जा इधर ना बैठी, जाके न्याने नु खिला। इस तरह से गुरु जी कह देते थे। और एक और बात कि गुरु जी हमेशा हमेशा ये कहते थे कि आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए मुझे स्मरण कीजिए, क्योंकि कई बार परिवार में एक गुरुजी को गुरुजी के श्री चरणों में जाते हैं, गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी को मानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं मान पाते। तो ऐसे में गुरुजी हमेशा ये कहते थे मेरे को क्लेश करके ना आए, आप घर में रहो, घर में मेरा नाम जप करो, मैं वही आपको ब्लेस करूंगा, वही दर्शन दूंगा। इसीलिए छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को गुरुजी कहते थे मैं घर बैठकर ही ब्लेस करूंगा। एक ऐसा इंसिडेंट भी था जब एक आंटी आई और घर से चलते हुए उन्होंने अपने अंकल को कहा कि असीते गुरुजी कॉल जा रहे हैं तो असीते लंगर कर लेंगे, ते अपने नॉस के लिए कहा कि ए दोनों अपनी रोटी बना लेंगे तो असी चलिए। वहां जब पहुंचे तो गुरुजी को तो महाराज को पता है, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो सो रहे हैं, 24 आवर्स हमारी रगों में सिर्फ प्रभु है, ईश्वर है, वही हमें चला रहा है। तो गुरुजी को तो प्रभु को तो पता है, जैसे वहां पहुंचे गुरुजी ने डांट लगा दी कि सोचिए है गुरुजी को जाके लंगर कर लेंगे, मैं क्या होटल खोले है जाके अपने सोरे ने रोटी खिला, ये है गुरुजी। इससे यही मीनिंग कन्वे होता है कि हमें अपने परिवार के जिम्मेदारियों को इग्नोर नहीं करना है और इग्नोर करके सब चीजें छोड़ के और हम बड़े मंदिर भाग रहे हैं तो हम ब्लेसिंग्स हमें क्या मिलेंगी। नहीं, जो हम घर में जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों की, जो हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को कंसोल कर रहे हैं, एक सकारात्मक यू नो द पॉजिटिव थॉट जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है, वही तो गुरु जी है, वही जीवन में हमारी गुरुजी की प्रेजेंस है, वही गुरुजी है और वही आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए ये ब्लेसिंग्स हमें दूसरों के साथ भी शेयर करनी। संगत जी, इस तरीके से धीरे धीरे गुरुजी से हमारा कनेक्शन और बढ़ता चला गया और महाराज ने बहुत मेहनत करी। आज भी संगत जी गुरुजी विद्यमान है हम सबके बीच में और गुरुजी स्वप्न दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा स्वप्न दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा मेरी लाइफ जर्नी स्वप्न दर्शन में गुरुजी के साथ निकलती है। कोविड के टाइम पे गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत मेहर करी, मुझे साक्षात दिखाया कि गुरुजी ने बात करी और मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने मौत के मुंह से परिवार के 4 सदस्यों को निकाला है और नया जीवन दिया है। उस परम पिता परमेश्वर महाराज जो हम मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वो मानव रूप में हम सबका कल्याण करने इस धरती पर आए, हम कितने भाग्यशाली हैं
हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम सब भिखारी हैं उस अन्नदाता के आगे, हम सब भिखारी हैं, कोई बड़ा नहीं है। संगत जी आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सारी संगत को आगे भी, और जो जुड़ी है वो और जो नहीं जुड़ी है वो भी, जितना हो सके अपने गुरुजी के बारे में बताइए, बड़े मंदिर के बारे में बताइए, ताकि सब गुरुजी के ब्लेसिंग्स का आनंद ले सके, अपने जीवन को सफल कर सके। गुरुजी महाराज से हमेशा यही कृपा रहती है कि गुरुजी आजकल के इस दौर में अपने बच्चों को अपनी रजा में रखना, उनके सिर पर हाथ रखना, जिस रास्ते पर उनका कल्याण हो, जिस रास्ते पर आप चलाना चाहते हैं, आप उसी रास्ते पर चलाना गुरुजी। ये गुरुजी की मेहर है कि हम सब आज इस जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम से जुड़े, और सारी संगत दुनिया के हर कोने से इस सत्संग सेवा जो मुझे मिली है उसमें मैं भी ब्लेस हो रही हूँ, और सारी संगत भी ब्लेस हो रही है, क्योंकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में खासकर मैंने बहुत ज्यादा देखा, हर संगत को खड़े कर कहते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को काफी बार कहा, जाके अनु दसी मैं की किता। इतने सारे वहां पे फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज आती थी, वीवीआईपी आते थे, जजेस आते थे, और गुरुजी किस तरीके से जिस जिसके जीवन में जो ब्लेसिंग्स देते थे उनको खड़ा करते थे, क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं कि इस समय किस संगत को कौन सा सत्संग सुनना है, ताकि उसके थ्रू उसकी हीलिंग हो सके, उसको ब्लेसिंग्स मिल सके। चार लोगों के साथ बैठकर लंगर करना, ये गुरुजी की थेरेपी थी जिसे गुरुजी हमें ब्लेस करते थे। तब हम ये नहीं देखते थे कि कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, क्योंकि भगवान ने हम चारों को एक साथ बिठाया है एक थाली शेयर करने के लिए। इसी तरीके से गुरुजी सत्संग शेयरिंग कराते थे, और गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग शेयरिंग किया करो, सुनने वाले दा भी भला ते शेयरिंग करने वाले दा भी भला। इस तरीके से गुरुजी कल्याण के अलग अलग रास्ते सबके लिए चुनते थे। बहुत सारी संगत जब गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में आती थी, किसी को शुगर है तो वो यही सोचता था, हम लोग संगत की वजह किसी को शुगर है तो सोचते थे गुरुजी तो हमें प्रसाद दे देंगे, मेरी शुगर इतनी ज्यादा है और मना भी नहीं कर सकेंगे, क्या करूं, कैसे कैसे बताऊं गुरुजी को मुझे शुगर है, मुझे मीठा ही नहीं खाना है। और महाराज को तो पता है, आप देखिए जिसको शुगर है गुरुजी उसको नॉर्मली एक बार प्रसाद देंगे, लेकिन उसको चार चार बार देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए प्रसाद, हमारे लिए हलवा प्रसाद है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए वो गुरुजी का ट्रीटमेंट है। कैंसर पेशेंट के लिए गुरुजी का अपना एक ट्रीटमेंट होता था। जहां मेडिकल, जहां साइंस फेल हो जाती है, वहां हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज बैठे हैं इस मानव जाति को हील करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता देवों के देव महर्षि देव, हमारे डुगरी वाले हमारे गुरुजी में विश्वास बनाए रखें, अटूट विश्वास। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको हमेशा फुली कमिटेड और डिवोटेड रहना पड़ता है, इसके बिना नहीं कभी भी जीवन में कुछ मिलता। इसलिए आपको इट्स एंड बट्स को बिल्कुल छोड़कर कंप्लीटली होली हार्टेड आपको गुरुजी के श्री चरणों में अपने सारे ईगो को सरेंडर करके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ना होगा। गुरुजी कहते थे मेरे कोल आई ते अपने इट्स एंड बट्स बाहर रख के आई, जुत्ती नाल बाहर ही छड़ के आई, मेरे कोल कोई लॉजिक नहीं चल दे आएंगे। ये है गुरुजी। मीडिया से दूर रहना, आम हमेशा आम इंसानों के बीच में ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही बैठ जाते थे। पता कौन कहेगा कि प्रभु इस तरीके से आम संगत के बीच में बैठी। एम्पायर स्टेट के वो दिन इतने गोल्डन डेज इतने याद आते, इतना मिस करते हैं, जब पहले गुरुजी ब्लैक ट्राउजर में बैठते थे और उसके बाद ठीक 8 बजे गुरुजी अपने
चोले में अपने वास्तविक रूप में चेंज करके आते थे, और कभी कभी जैसे ही आते थे और संगत का मुंह सेवादार गद्दी की तरफ कर देते थे, तो कई बार गुरुजी चलते 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 एकदम से रुक के फिर पीछे आ जाते थे। ऐसा हमारे साथ हुआ, और जहां मैं और मेरे अंकल बैठे थे, गुरुजी एकदम से आके वहां खड़े हो गए, और हमें समझ में नहीं आया, इतने नादान इंसानी बुद्धि कि प्रभु आके खड़े हो गए, मुंह से शब्द ही नहीं निकले, और मेरे अंकल मुझे इशारा कर रहे हैं कि गुरुजी आए, माथा टेको, देखो यहाँ पे शक्ल तो देखी नहीं, पता है गुरुजी खड़े, श्री चरणों में पैर रखना है, श्री चरण वहां पे गुरुजी को अपना माथा टेकना है, प्रभु इतने पास आपके आए हैं, निशब्द हो जाते हैं उस अलौकिक, उस दिव्य, उस प्रकाशमान में अपने गुरुजी की ओरा में। और ऐसा 101 बार हमें ये सौभाग्य मिला। गुरुजी चलते चलते कई बार संगत को ऐसे बात करते करते जाके अपने गद्दी में बैठ जाते थे। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने सारी संगत को आज ब्लेस करके रखा है। उनकी ब्लेसिंग इस तरीके से इन हवाओं में, हमारे संगत के बीच में, हमारे सत्संग में इस तरीके से फैली हुई है कि ये ब्लेसिंग्स बस यही हमारे जीवन का सार है। ये ब्लेसिंग्स हमारे कवच हैं, गुरु नाम हमारा कवच है, गुरु सिमरन हमारा कवच है। हम हमेशा इस कवच में रहें, गुरु जी की ओट में रहें। हमें यही गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी आपने हमारा हाथ थामा है, तो इसे थामे रहना। हम लोग इंसानी है ना, इसलिए हमें मालूम नहीं कि हम कब हाथ छोड़ दें, इस भीड़ में कहां खो जाएं, कुछ नहीं पता। लेकिन हमने रोज ये अरदास करनी है कि प्रभु ये सांसें भी आपकी हैं, और इन सांसों का आवागमन भी सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स है। इसलिए प्लीज इस उंगली को जो आपने थामा है, इस हाथ को जो थामा है, इसको आपने प्लीज जीवन की अंतिम अंतिम श्वास तक गुरु जी मेरा हाथ ना छोड़े। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, और शायद सारी संगत की भी यही अरदास है। संगत जी, गुरु जी से बहुत ब्लेसिंग्स आज तक मिलती आ रही हैं, समस्त परिवार ब्लेस है। मेरे फादर इन लॉ ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 3 साल पैरालिसिस में रहे, बेड रिडन रहे, और हस्बैंड बाहर पोस्टेड रहे। एक गुरु महाराज की ही कृपा थी कि जो उन्होंने उन्हें 3 साल तक कितनी बार ऐसी कंडीशन में वो गिरे, लेकिन कभी इस तरीके से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा कि उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज कराना पड़े। हमारे फादर नौ पापा गुरु जी को के साथ वो भी उनका साक्षात्कार रहा। समस्त परिवार, ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, होल फैमिली, बच्चा पार्टी, सब गुरु जी से इस तरीके से ब्लेस रहे। और आज तक गुरु महाराज की ही कृपा है कि समस्त परिवार उनकी ओट में, कोटि कोटि नमन है, उनकी ओट में हम सांसें ले रहे हैं। इस दौर में सारी संगत, गुरु जी की सारी संगत को इस कोरोना पीरियड में, जो गुरु जी ने, गुरु नाम ने और बड़े मंदिर ने कोरोना पीरियड के टाइम पे जिस तरीके से घर घर में गुरु जी का मंत्र जाप पहुंचाया, वो अपने आप में इतना जबरदस्त एक काम किया है, एक साहसी, एक इतनी, इसका कोई क्या बताएं कि जो उन्होंने ये एफर्ट किए कि सारी संगत गुरुजी से के टच में रहे, जुड़ी रहे कोरोना काल में। उन्हें ये ना लगे कि प्रभु से हम जुड़े नहीं हैं, बड़े मंदिर नहीं गए हैं, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, और उनके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और उन वो इतने स्ट्रॉन्ग बने रहे कोरोना काल के अंदर भी कि वो आगे अपने जीवन में इस समय से लड़ने की शक्ति उन्हें मिलती रही। और ये काम किया है बड़े मंदिर में, रोज 7 से 8 जो मंत्र जाप गुरु जी का लाइव घर घर में चलता था, घर घर में बड़े मंदिर के दर्शन होते थे। ये है हमारे गुरु महाराज की कृपा कि देखो मैं पूरी दुनिया में एक एक के पास हूं और एक ही समय में हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु जी महाराज कर सकते हैं। संगत जी, जर्नी तो बहुत लंबी है, और इस तरीके से गुरु जी महाराज आज भी स्वप्न दर्शन में आकर खूब ब्लेस करते रहते हैं।
तो बड़े मंदिर का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिससे आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयरिंग की सेवा का मौका दिया, सारी संगत से जोड़ा। और क्षमा प्रार्थी भी रहूंगी गुरु जी आपसे, अगर कुछ मैंने ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था या कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी आप सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आपकी इस बेटी ने जो सत्संग शेयरिंग करी गुरु जी, आपने मुझे आज आज्ञा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कोई ब्लेसिंग्स, कोई कल्याण आप मेरा कर रहे हैं, और जो संगत आज जुड़ी है उन सबका भी कल्याण आप कर रहे हैं।